नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में दिल्ली बॉर्डर पे जो बैठे किसान का आक्रोश है वो बिहार पहुंच गया है। आपको बता दें कि आज पूरा भारत बंद है और इस वक्त हम खड़े हैं पटना में। पटना का ये आरजेडी कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं जहाँ पर राजद के तमाम कार्यकर्ता पहुँचे हैं और भी पहुँच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सड़क को रोक जाम कर रखा है और यातायात पे इसकी खासी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा ज़रा आप यहाँ का विजुअल दिखाएं। यहाँ आप देख सकते हैं लगातार जो है राजद के कई कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर लगातार वो जो है वो इस किसान कानून को लेकर, इस बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज पूरा भारत भी बंद है। और यहीं पर इनसे जानते हैं क्या कुछ इनका आक्रोश है सरकार को लेकर। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, दिल्ली बॉर्डर पर भी लगातार लोग विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, लगातार 15 दिनों से पूरा भारत अस्त व्यस्त है। कारण है कि ये जो मौजूदा एनडीए की सरकार है, इसने जो किसान विरोधी कानून लाया है, ये किसान विरोधी कानून जनहित में नहीं है। इस कानून के तहत तीन तरह का प्रावधान किया गया है। पहले प्रावधान के तहत कहा गया है कि किसान अपने फसल को मंडी में बेचेगा और यदि मंडी में नहीं बिक्री होता है तो वो व्यापारियों के यहाँ बेच सकता है। लेकिन बिहार के अंदर मंडी का सिस्टम ही खत्म कर दिया गया। बिहार के अंदर जो बाजार समिति थी वो नीतीश कुमार की सरकार ने बाजार समिति को विघटित कर दिया। तो जब बाजार समिति विघटित हो गया तो मंडी है ही नहीं, और जब मंडी नहीं है तो किसानों के फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिलेगा। लगातार इसको 5 चरण की बैठक भी हुई इस पर, लेकिन फिर भी ये जो नया कानून निकला किसान बिल को लेकर, किसान संतुष्ट नहीं? नहीं, किसान संतुष्ट नहीं। हमारे बिहार में तो MSP मिल ही नहीं रहा। जो सरकार कह रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो बिहार में लागू ही नहीं है। तो बिहार के अंदर तो किसानों का क्या हालत है आप देख रहे हैं। अभी जो धान खरीदना है, धान खरीदगी का क्या हालत है पैक्सों का। इसके पहले जो गेहूं का खरीदगी हुआ बिहार में, पूरे 2020 में मात्र 1% उत्पादित गेहूं का खरीदगी हुआ है। तो पूरे तौर पर ये सरकार जो है कृषि को भी कॉरपोरेट सेक्टर में डालना चाह रही है, और इसी का राष्ट्रीय जनता दल और हम तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। जो है यहाँ पर सड़क पर बैठ के जो है वो सड़क जाम करके बैठे हैं, आज भारत बंद का पूरा समर्थन कर रहे हैं और नया जो किसान बिल निकला है इसका विरोध करने में लगे हैं। आइए तमाम कई और कार्यकर्ताओं से भी जानते हैं कि इसको लेकर उनको क्या कुछ कहना है। आप बताइए, आज पूरा भारत बंद है और यहाँ पर लगातार RJD के तमाम कार्यकर्ता जो है बैठकर जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और ये नया किसान कानून है जो बिल है, क्या कुछ कमी है इसमें? कानून जो है लेकर भारत बंद करने सर, किसान ने कानून जो है ना सर, गरीब विरोधी है। कानून गरीब विरोधी है और सरकार दलित विरोधी है। मैं दलित का नेता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल में 30 साल से हूँ, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री को जिससे कि पब्लिक को परेशानी हो जाए। आपको प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया गया है क्या? और हमारे जो बिहार के MP जीत के जाते हैं उनका मुंह बंद रहता है। नरेंद्र मोदी जो कहेगा वही होगा, ठीक है? केंद्र में नरेंद्र मोदी जो कहेगा वही होगा, बिहार में नीतीश कुमार जो कहेगा वही होगा। ऐसा तो ह्यूमन राइट्स नहीं है। ऑल आर इक्वल स्टेटस एंड सेम रिलेशन, चाहे वो MP हो, चाहे MLA हो, चाहे MLC हो, ठीक ना? 5 चरण की बैठक हुई लेकिन फिर भी जो है संतुष्ट नहीं हुए किसान। आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन योर बिहेवियर ऑफ द मोदी एंड नीतीश गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड? क्या पूछना चाहते हैं? अननेसेसरी, अनावश्यक बातें। कुछ बोला जाएगा तो कहिएगा ऐसे बोलते हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसी नहीं है राष्ट्रीय। मेरा सवाल आपसे यही है कि आज पूरा भारत बंद है और इसका विरोध कर रहे हैं, लगातार दिल्ली बॉर्डर पर भी किसान कर रहे हैं, आप भी विरोध कर रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना है? हमारे कहने का मतलब है कि बिल को रद्द कर दिया जाए और जो पब्लिक हेल्थ, क्या कुछ कमी है इस बिल में है इसको लेकर आप विरोध कर रहे हैं? वो किसान से पूछिए जी। हम तो पढ़े, विरोध आप भी कर रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूँ जी। उनको अगर दिक्कत होगा तो मैं इनके साथ हूँ, ये खोरने का कास मत किया जाए। किसान विरोधी जो बिल है उसमें MSP की गारंटी नहीं है। जो MSP की कहती कह रही है सरकार कि हमने MSP खत्म नहीं किया, तो आपने MSP लागू कहाँ किया कि खत्म नहीं किया? आप उसको कानूनी वैधता दे कि MSP खत्म नहीं होगी, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि जो आप बाजार खोले हैं, तो बाजार खोले हैं तो सिर्फ एक सरकारी संस्था जो खरीद रही थी उसके लिए भी, कि जो मान लिया कि कभी किसान को MSP से कम रेट पर देना हो तो सरकार उसे ले, उस अनाज को मंडी में ले, सरकार खरीदे उस MSP पर, तभी किसान की जान बचेगी। अभी जो स्थिति है, ये जो कर दिया गया है बाजार कर दिया है अंबानी और अडानी के हवाले, ये खरीदेगा 20 रुपये KG गेहूँ और बेचेगा 100 रुपये आटा, तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार
सरकार के फायदे के लिए नहीं, सरकार का फायदा होता तो कहीं ना कहीं हमके पास पहुंचता चारा ना, लेकिन ये अडानी और अंबानी के फायदे के लिए काम कर रही है। अडानी और अंबानी को नोट कमा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज कर रही थी तो वो नील की खेती किसानों से करवाती थी, और आज वही सिस्टम को लागू करने दिया। गांधी जी ने इसी नील की खेती को खत्म करने के लिए चंपारण से आंदोलन किया और पूरे अंग्रेज को मार कर भगाया। आज वही स्थिति मोदी जी पुनः लाना चाह रहे हैं, देश को ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि अंबानी और अंडानी के हाथों बेचना चाह रहे हैं, गुलाम करना चाह रहे हैं। ये है नरेंद्र मोदी का छुपा हुआ एजेंडा, भाजपा सरकार की छुपी हुई एजेंडा, ये किसानों को बरगला रही है। और इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, उनसे जानते हैं कि ये किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरा भारत बंद है सर, और क्या कुछ आक्रोश है इस नए किसान बिल को लेकर? अभी तक आपको आक्रोश नहीं दिख रहा है कि किसान सड़कों पर है 13 दिनों से। हम लोग आज भारत बंद का किसान संगठनों ने आह्वान किया है, उसके समर्थन में हम लोग खड़े हैं। 5 चरण की लगातार बैठक हुई लेकिन कुछ नतीजे नहीं निकले, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। इस सरकार अपनी जिद छोड़े, सरकार को किसानों के साथ सम्मानजनक समझौता करके किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए। आपको क्या लगता है इस नए किसान बिल में क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी के खिलाफ आप आक्रोश दिखा रहे किसान? कि किसान संगठनों के लोग, किसान लगातार अपनी बात सरकार से वार्ता के माध्यम से रख रहे हैं। सरकार की हठधर्मिता के कारण ये नौबत आई है, सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए और सरकार को किसानों के मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी करनी चाहिए। 5 चरण की लगातार बैठक हुई लेकिन कुछ नतीजे नहीं निकले, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। इस सरकार अपनी जिद छोड़े, सरकार को किसानों के साथ सम्मानजनक समझौता करके किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए। आपको क्या लगता है इस नए किसान बिल में क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी के खिलाफ आप आक्रोश दिखा रहे किसान? कि किसान संगठनों के लोग, किसान लगातार अपनी बात सरकार से वार्ता के माध्यम से रख रहे हैं। सरकार की हठधर्मिता के कारण ये नौबत आई है, सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए और सरकार को किसानों के मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी करनी चाहिए। तो लगातार जो है यहाँ पर जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं वो लगातार नए किसान बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारे साथ अभी थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने भी सरकार के खिलाफ क्या कुछ कहा आपने सुना। अभी आप खुद देख सकते हैं डाकबंगला चौराहा पटना को, लगातार यहाँ पर जो है वो आक्रोशित है महागठबंधन के कार्यकर्ता इस नए किसान कानून को लेकर, और लगातार इसके विरोध प्रदर्शन में आज भारत बंद का समर्थन करते दिख रहे हैं तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेशन न्यूज़, धन्यवाद।